आप वाकई में शादी कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ। मेरे बचपन के प्यार ने सामने से आगे हाथ बढ़ाया है। मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ? अच्छा खुशियां सिर्फ बातों से नहीं जाहिर की जाती, उसके लिए मुंह मीठा करना जरूरी है। ले, मुंह मीठा कर। छोरी, तू भी अपना मुंह मीठा कर। मैं अभी आती हूँ। छोरा, अब बस कर, बहुत हो गया मजा। मैं तो बस उसे थोड़ा सा तंग कर, और वैसे जब थोड़ी सी परेशानी के बाद ढेर सारी खुशी आती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। मैं इच्छा को वो मजा देना चाहता हूं। बापू, चल संभालो अपने आप को। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अरे सब कुछ तो ठीक हो गया था ना? फिर कुछ ठीक नहीं हुआ, उल्टा सब कुछ खत्म हो गया बाकू। मतलब पापा जी की शादी तय हुई है किसी और से। इच्छा तू जा। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं मेरी शादी के बाद तुमसे हजम नहीं हो पा रही, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा मतलब देखो ना, कल तक तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाला बब्बल आज किसी और के साथ। हाँ, बुरा तो लग रहा है, लेकिन आपको उससे क्या? अरे मुझे उससे क्या मतलब? इच्छा हम प्रेमी ना सही, दोस्त तो है ना, है कि नहीं? और तुम्हें तकलीफ में देखिए मुझे तकलीफ हो रही है। I'm sorry, इच्छा, लेकिन मैंने तुम्हारी कही हुई एक एक बात पर अच्छे से गौर किया और मुझे लगा तुम सही तो कह रही हो यार। अरे मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा और क्यों करूंगा मैं? आखिर एक तरफा प्यार का कोई मतलब नहीं होता, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। और चाहत ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। इच्छा, उसने सामने से अपना प्यार कबूल किया, और यकीन मानो इच्छा मेरे लिए वो पल इतना खास था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, और मैंने हाँ कह दी। जब उससे अपने दिल की बात की ना, तो मुझे वो पल याद आ गया जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं भी उससे प्यार करता हूं। आई लव यू। और फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, कितना कुछ हुआ है हमारे बीच, उसका मुझसे दोस्ती करना, लड़ना झगड़ना, रूठना मनाना, हंसना हंसाना, मेरा ख्याल रखना, मेरी चिंता करना, मेरी जैसे जैसे मैं वो सब याद करता गया, मुझे उससे प्यार होता गया। अगर उस लड़की से इतना गहरा प्यार था तो जो आज तक मुझ पर जताते रहे वो क्या था? हाँ हाँ, मैं तो बस आपके लिए एक ऑप्शन थी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं इच्छा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था, बल्कि अभी भी थोड़ा थोड़ा, लेकिन इच्छा मैं खुद को रोक रहा हूं। सब बहाने हैं। अरे अब ये नाइंसाफी है, जब मैं तुम्हारे सामने इच्छा अच्छा करता था, तुमने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जब मैं खुद दूर जा रहा हूं, तुम नाराज हो रही हो, ये क्या बात हुई? इच्छा, तुमसे एक बात कहनी थी। थैंक यू। अच्छा हो तुमने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया,
वरना मुझे मेरा सच्चा प्यार कभी मिलता ही नहीं. थैंक यू इच्छा, थैंक यू सो मच. अब मैं चलू? अब बस इतना ही कहना था. हाँ, दोस्तों के बीच सिर्फ इतनी बातें होती है मैडम. दिल की बातें करने के लिए अब कोई और आ गई है. अरे मैं मजाक कर रहा हूं इच्छा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. याद है तुमने ही कहा था, और तुम हमेशा मेरी दोस्त रहोगी. मैंने आज तक हमेशा तुम्हारे साथ अपने दिल की बातें शेयर की है और आगे भी करूंगा. और मुझे यकीन है इच्छा कि तुम हर मामले में मेरा साथ दोगी, क्योंकि मेरी खुशी में ही तुम्हारी खुशी है ना. चलो इच्छा, मुझसे एक वादा करो. अरे करो ना. शादी से जुड़ी एक एक रस्म में तुम मेरे साथ रहोगी. ठीक है. दुखी होने या रोने से कुछ नहीं होगा. जाओ कुछ करो, बचा लो अपने प्यार को. लेकिन मैं क्या करूं बाकू? जाके दादी से बात करो. दादी से जाके कह दो कि तुम बब्बल से बहुत प्यार करती हो, उसे शादी करना चाहती हो. तुम बस हिम्मत जुटाओ और जाओ. अरे अब जाओ ना इच्छा. आहा, दादी जी कितने सुंदर कंगन है ये. इच्छा पे अच्छे दिखेंगे ना. हाँ. इच्छा, अच्छा हुआ तू आई, मैं तुझे आवाज देने ही वाली थी. ये देख जेवर, पहन के दिखाना. मैं देखना चाहती हूँ कि मारी होने वाली बहू पे जेवर कैसे दिखेंगे. लेकिन दादी मैं किसी और के जेवर कैसे? अरे तू भी तो हमारी अपनी है ना. ममता तू बैठे देख क्या रही है? अरे पहना नहीं से. दादी मुझे आपसे एक बात कहनी है. अच्छा बोल. अब दादी मैं तो बस ये पूछने आई हूँ कि आपने बब्बल जी की शादी के लिए हाँ कैसे कह दी? हाँ कैसे बोल दी? मतलब बब्बल और वो छोरी एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो फिर मैं हाँ क्यों ना करूँ? लेकिन दादी वो दोनों बचपन में एक दूसरे से प्यार करते थे ना. अब वो दोनों बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद आदमी बदल जाता है. उसकी सोच बदल जाती है, उसकी भावनाएं बदल जाती है. फिर आप ऐसे कैसे? आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि वो लड़की बब्बल जी के लिए सही है भी या नहीं. आप बब्बल जी की शादी किसी ऐसी लड़की से कराइए जिसे आप पसंद करती हैं, जिसे आप करीब से जानती हैं. करीब से दादी, बहुत करीब से. छोरी, बब्बल ने जिस लड़की को पसंद किया है ना, उसे हम करीब से जानते हैं, बहुत करीब से. और उसे हम पसंद भी करते हैं. और फिर हमारा परिवार तो पहलवानों का परिवार है. अगर वो थोड़ी चंड भी निकलेगी ना तो चलेगा. अरे इच्छा, चिप्स खाओगी? तीर बिल्कुल निशाने पे बैठा है.
नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। चाहती तो मैं भी यही हूँ दीदी, लेकिन कैसे कैसे रोकेंगे शादी को? कब और कैसे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हम इच्छा की जिंदगी में एक पल के लिए भी खुशियां नहीं आने देंगे। आपके पास ऐसा कोई जरिया है जो? नागशूल, जिसके प्रहार से ना तो कभी कोई बचा है और ना ही कभी कोई बचेगा। लेकिन नागशूल को हासिल करना आसान नहीं है, उसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और आज तक इस तपस्या में कोई कामयाब नहीं हुआ। हम कामयाब होकर दिखाएंगे, हम नागशूल को हासिल करके रहेंगे। नागशूल नागों का वो हथियार है जो अगर एक बार किसी पर चल जाए तो उसे सीधा यमलोक पहुंचा देता है, और हम इच्छा को यमलोक पहुंचा कर ही रहेंगे। इच्छा, इसे पहन ले। गुरुजी ने कहा है बब्बल से शादी के लिए इसे पहनना बहुत जरूरी है। इसे पहनने के बाद ही इंसान बनने की विधि शुरू हो जाएगी, और जब तक तू इंसान नहीं बन जाती बब्बल से शादी नहीं कर सकती। अब इसे पहनने का क्या फायदा माँ? इंसान बनकर करूंगी भी तो क्या करूंगी? जिसके लिए इंसान बन रही थी, जिससे शादी करनी थी, तो किसी और से शादी कर रहा है। मतलब बब्बल जी किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर रहे हैं। 3 दिन बाद उनकी शादी है। नहीं नहीं इच्छा, ये कैसे हो सकता है? बब्बल तो तुझसे। इच्छा, दरवाजा खोलो। माँ आप चाहिए। आई दीदी, ये ले। दीदी ये क्या है? ड्रेस है, दादी जी ने भिजवाई है। बाहर मेहंदी शुरू हो चुकी है ना, ये ड्रेस पहन के तुझे बाहर मेहंदी में आना है। लेकिन दीदी मैं अब ये लेकिन लेकिन पर वर ये सारे सवाल जवाब दादी से ही पूछियो, ठीक है? माँ मुझे जाना होगा, वाको आपको सब समझा देगा। मैं अभी तैयार होकर आई। वाको ये सब अब मैं क्या बताऊं आपको, मुझे खुद ठीक से पता नहीं है। जब से बब्बल की शादी के बारे में पता चला मेरा तो फन ही काम नहीं कर रहा है। वैसे बहुत अच्छी थाली सजाई है तूने हाँ ममता? अरे मैंने भी अम्मा। अरे हाँ हाँ तूने। आजा छोरी बैठ, तेरी मेहंदी शुरू करते। मेरी मेहंदी? मेरा मतलब है कि तेरे हाथों में मेहंदी लगाते। अब नहीं दादी, मुझे मेहंदी नहीं लगानी। अरे छोरी लगा लेना, और किसी भी रस्म को ना नहीं बोलते, बल्कि कुंवारी लड़कियों को तो ना बोलना ही नहीं चाहिए। तुझे पता है कुंवारी लड़की अगर शादी की हर रस्म में शामिल हो तो उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है, और हमारे घर में तो तू एकलौती कुंवारी लड़की है। तो अब चुपचाप बैठ और मेहंदी लगवा। मेहंदी किसे शोभा देती है सब जानते हैं, लेकिन बब्बल जी को क्या शोभा देता है ये तो कोई समझना ही नहीं चाहता। तूने कुछ कहा के? कब से कह रही हूँ दादी, कुछ सुने तब ना। नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः, नमो शूलति फणिधराय नियता प्रणता स्मताम, नमो दैव्य नाग दैव्य तक्षकाय सततम नमः। म
अम्मा जी, दुल्हन के हाथ में मेहंदी तो रच रही है, लेकिन उसमें दूल्हे का नाम कैसे लिखेंगे? हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज ये नाम नहीं लिखवाएगी, कल बबल उसे ढूंढ नहीं पाएगा, परसों सुहागरात नहीं होगी, मैं फिर से दादी किसे बनूंगी? आप बताओ। ऐसे बातें थोकने से कुछ नहीं होगा माँ जी, जाइए कुछ कीजिए, पर जरा संभल कर इच्छा को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अरे इच्छा, अरे बेटा देखो, इस वक्त घर के सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हैं, ऐसे में तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना। हाँ, मुझे जो भी चाहिए वो मैं ला कर दूंगी। मुझे जो चाहिए वो मुझे कोई नहीं दे सकता आंटी जी। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो, क्यों नहीं दे सकता? क्या चाहिए तुझे? मुग्धा दीदी, आप For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.